ऐसी नौबत आ गई भयंकर की, यहाँ पे मेहमानों की कारों में धक्का मारना पड़ रहा है। हमें गंगा मैया के दर्शन, पहुंच गया हम हर की पैड़ी, हर की पैड़ी। ये सारी कुंभ की तैयारी चल रही है, वहां तक पूरा ये जितना घाट था पूरा गंदा रहता था पहले, पूरा क्लीन कर दिया है। और अब जब कुंभ होगा तो आपको ये सारी चीजें रेडी मिलेंगी। अभी हमारे सब्सक्राइबर मिले हैं, दोनों दो प्राणी हमारे ग्रुप में ऐसे जो इंसान नहीं है पर इंसान होने का ढोंग करते हैं। ये खाल पहनी इंसान की, इंसान की खाल पहनी है। एक लड़का हुआ करता विनोद रमोला, उसकी खाल पहनी है। ये देखो ऐसी नौबत आ गई भयंकर की, यहाँ पे मेहमानों की कारों में धक्का मारना पड़ रहा। ऐसे तो मेहमान और आ जाए ना तो फिर हो गया फिर। जोर लगा के हो गई। अरे वाह, सात सुबह सुबह उठा दिया क्योंकि हमें जाना था हरिद्वार के लिए। फिलहाल मिस्टर विनोद रमोला, झूठ बोलो झूठ, फिलहाल मिस्टर विनोद रमोला, अब तू ही बोल ले पहले। फिलहाल मिस्टर विनोद रमोला हमें हरिद्वार छोड़ गया ऐसा मुझे लगता है, पर पता नहीं, इसका भरोसा नहीं है। कुछ कहना चाहेंगे आप विनोद भाई? हरिद्वार पहुंच गए हम, और ये पीछे देहरादून और हाईवे है, यहीं पे हम रुके थे, बस से उतरे और अभी गंगा जी के दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ पे हर की पैड़ी में मौसम तो अभी ठंडा है, कोहरा भी लगा हुआ है थोड़ा थोड़ा। यहाँ अभी कुंभ होने वाला है, अगले महीने कुंभ स्टार्ट है। यहाँ बहुत ही बड़ा आयोजन है, आपने देखा होगा ने प्रयाग में, कितने का मिला? 30 रुपये का, 5 लीटर। हो गए हमें गंगा मैया के दर्शन, पहुँच गए हम हर की पैड़ी, हर की फैड़ी। ये देखो टुक्की लगानी है ठंड में, काफ़ी अच्छा लग रहा सुबह सुबह यहाँ पे आके। एक तो ये पावन घाट गंगा मैया बह रही है, सुबह का माहौल इतना शुद्ध सा हो रहा है ना, घंटियाँ बज रही हैं, बड़ा अच्छा, अच्छी फीलिंग आ रही है ना सुबह सुबह। कितना ज़्यादा पानी पानी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। कोई वजू करे मेरे जल से, कोई मूरत को नहलाए, कोई मूरत को नहलाए। ओ कोई वजू करे देखो। मेरे जल से जय श्री राम हो गया। यहाँ तो पूरा त्रिशूल भी बना हुआ है, गंगा के ऊपर जो पुलिया बनी है उससे आ रहा है। कोई मूरत को नहलाए, कहीं मोची चमड़े धोए, कहीं पंडित प्यास बुझाए, कहीं पंडित प्यास बुझाए। ये जात धर्म के झगड़े। वो सामने जो मंदिर है मनसा देवी मंदिर है, हो रहा है उसकी वजह से धुंधला दिख रहा है, और ये चढ़ाई चढ़ के जानी पड़ती है या फिर रोपवे लगाया है वहां से ऊपर जाने के लिए। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो।
गंगा मैया मैया हो 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 गंगा मैया मानो तो मैं गंगा माँ हूँ ना मानो तो बहता पानी मानो तो मैं गंगा माँ हूँ ना मानो तो बहता पानी जो स्वर्ग ने दी धरती को। जितने भी घाट और पार्क हैं सब में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये सारा कुंभ की तैयारी हो रही है। वहाँ तक पूरा ये जितना घाट था पूरा गंदा रहता था पहले, पूरा क्लीन कर दिया है और अब जब कुंभ होगा तो आपको ये सारी चीज़ें रेडी मिलेंगी एकदम। यहाँ पे ये जो हाईवे बना है देहरादून जाने वाला, ये बहुत चौड़ा हो गया है, मतलब इतना चौड़ा कि यहाँ पे 5 गाड़ियाँ एक साइड और 5 दूसरी साइड से जा सकती है। उसके अलावा ये जो सर्विस लेन है पैदल चलने वालों के लिए काफ़ी चौड़ा बनाया है। पिछली बार जब हुआ था कुंभ तो जो पुल है कुछ साइड वो वहाँ से जो टोटल एरिया होगा 3-1 किलोमीटर का होगा, उसको पार करने में मुझे 1.5 घंटे से ऊपर लग गया था। मगर इस बार गाड़ियों के लिए बीच में लेन बनी है, ये जो सर्विस लेन दिख रही है आपको ये सब पैदल चलने के लिए, और सामने ये बन रहा है फुट ओवर ब्रिज ताकि पार करने में कोई दिक्कत ना हो। ये रहा फुट ओवर ब्रिज जिसकी दीपक बात कर रहा है, और ये लेन, ये मतलब इतनी चौड़ी लेन है इसमें ट्रैक्टर चल रहे हैं, मतलब कि 20-30 लोग एक साथ जा सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा क्योंकि हरिद्वार वर्ल्ड लेवल की जगह है, जहां लोग जानते हैं इंडिया में आते हैं तो हरिद्वार भी होके आते हैं। आपको कुंभ के टाइम तक ये सारे रेडी मिलेंगे, ये उसी की तैयारी चल रही है। सारा गार्डन बना है और रोड के उस साइड को सारा उन्होंने ग्राउंड बनाया है बहुत बड़ा कि जहां पे लोग इससे आराम कर सकते हैं। ये फ्लाईओवर है, ये पूरा काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है और मुझे लग रहा है कि कुंभ तक इसको पूरा रेडी कर देंगे। इससे क्या होगा कि वो नीचे का जो ट्रैफिक है, जो लोकल ट्रैफिक है वो नीचे से चला जाएगा, और जो जिनको देहरादून जाना है वो यहाँ से सीधे देहरादून निकल जाएंगे। ये पूरा गहरा था पहले, ये पूरा ग्रीन हो गया है, पहले एकदम पूरा कबाड़ पड़ा रहता था यहाँ, और अब देखो कितना साफ लग रहा है। वो गंगा है, उधर गंगा घाट है, पूरे फूल वगैरह और पौधे लग रहे हैं यहाँ पे। हरिद्वार को सुंदर बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की जा रही है, सुंदर और ट्रैफिक फ्री बनाने के लिए। अब निकल रहे हैं यहाँ से, अब हमें कोटद्वार की बस मिल गई है, बस इसमें बैठ के कोटद्वार निकल रहे हैं। हरिद्वार आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में किसी और जगह किसी और जानकारी के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय। अभी हमारे सब्सक्राइबर मिले हैं, आपका नेम है उर्मिला भट्ट जी, आप लोग भी पौड़ी जा रहे हैं, पाली इनका गांव है पौड़ी साइड को, तो वहाँ जा रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं। इन्होंने भी अभी वीडियो देखी, जो नेगी फैमिली की वीडियो डाली थी वो देखी थी इन्होंने। बाय कर दो एक बार, इनका चैनल सब्सक्राइब करते रहो, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दो। मैया हो गंगा मैया 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 मैया हो गंगा मैया।